सो फ्रेंड, सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। ये एक एड है भाई, जो कि मैंने डाउनलोड किया है। मैंने बस आपको दिखाने के लिए डाउनलोड किया है कि इसमें जो है किस तरीके के दावे किए जा रहे हैं। यहाँ पर क्रैक्स को रिपेयर किया जा रहा है एंड लिंटर की लीकेज ठीक की जा रही है। टाइल्स की जो दरारें हैं भाई, टाइल्स के जो गैप हैं उनको भी आराम से भर देता है। किसी भी तरीके की लीकेज है तो इस ग्लू के द्वारा जो है आराम से ठीक हो जा रही है। यहाँ पर ये देखिए एक बास्केट है भाई, इसमें जो है क्या किया इन्होंने, ये सिर्फ ग्लू लगाया है, उसके बाद ये बॉर्डर प्रूफ हो गया भाई। तो फ्रेंड, ये जो इन लोगों ने दिखाया है क्या यही सच्चाई है इसकी, तो यही जानने के लिए भाई मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। फ्रेंड, इस तरीके के प्रोडक्ट आपको डील या ऑफर में मिले तो कैसा रहेगा? अगर आपको डील या ऑफर में प्रोडक्ट चाहिए हैं तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन करना पड़ेगा। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिए। तो चलिए फ्रेंड, फटाफट मंगाते हैं ये प्रोडक्ट और देखते हैं इसकी सच्चाई। ओहो गाइस, यहाँ पे लगा था हेलीकॉप्टर, थोड़ा डिसबैलेंस हो गया, यहाँ पे लगा मेरे। देखिए कुछ इस तरीके की पैकिंग में आता है एंड यहाँ पर मिल जाता है हमको एडहेसिव। ये कुछ इन्होंने क्या दे रखा है, 5 स्टार दे दो एंड प्रोडक्ट का रिव्यू कर दो, हट नहीं करना हमें। ये मिल जाता है एक ब्रश जो कि क्वालिटी भी ठीक ठाक है। यहाँ पर बॉक्स खाली है फ्रेंड, तो चलिए हट। पर लिखा हुआ है डब्बे पे ट्रांसपेरेंट वाटरप्रूफ एडहेसिव, बस इतनी चीज जो है मुझे समझ आ रही है, बाकी इसके अलावा मुझे इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो क्यों समझ नहीं आ रहा भाई, यहाँ देखिए टोटली चाइनीज लिखा हुआ है भाई। 300 ग्राम का ये पैक है। इसकी क्वालिटी मैं कहूँ भाई तो काफी बढ़िया लगी मुझे। ब्रश की क्वालिटी ये भी ठीक ठाक है, जो मेन क्वालिटी है वो है इसके अंदर की क्वालिटी, तो अंदर की क्वालिटी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्रेंड, अब इसको कर लेते हैं हम ओपन। ओपन करने के लिए यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके की सील लगी हुई है। अब बारी आती है इसको खोलने की। धड़कने बढ़ रही है, वो करीब आ रहा है। गाइस ये देखिए ट्रांसपेरेंट ग्लू आ चुका है, ऐसा दिख रहा था ना उसमें वीडियो में, वैसा ही है। अब इसको जो है ट्राई कर लेते हैं। गाइज ये वाला मेरा मकान है एंड इधर वाला जो है ये पड़ोसी का है। इन दोनों मकानों के बीच में एक लेयर होती है, तो जो जैसे कि यहाँ पर जो हर घर की प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पर देखिए ये दूसरा मकान स्टार्ट हो गया एंड ये मेरा मकान है, तो इन दोनों के बीच में एक लेयर है भाई। इसमें जो है सीमेंट भर के भी देख लिया, लेकिन यहाँ पर लीकेज नहीं रुकी, पानी अंदर बैठता है, दीवार में सीलन आती है। ये काफी बड़ा क्रैक है। इन पर्पस जो था भाई इसका मंगाने का भाई यही था, मैं बस इसी के लिए मंगाना चाहता था। तो चलिए हम इसको ट्राई करके देख लेते हैं। के सामने लगा रहा हूँ और ज्यादा मात्रा करके ही लगा रहा हूँ। चलिए इसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं थोड़ी देर, उसके बाद देखेंगे भाई इसमें पानी डाल के। सो फ्रेंड देखिए, अब हमने यहाँ पे लिए हैं 2 टाइल के पीस, उसमें जैसे दिखाया जा रहा था कि टाइल को भी जोड़ दे रहा है, ठीक है, टाइल के क्रैक्स भी भर दे रहा है। तो हम यहाँ पर थोड़ी दूर पर टाइल रखेंगे, कितना असरदार कायम होता भाई। यहाँ देखिए हम इसको थोड़ा सा टपका ही दे रहे हैं, ठीक है। इसका जो गैप था वो भर दिया, अब इसको छोड़ना पड़ेगा भाई थोड़ी देर के लिए। तो ठीक है फ्रेंड, थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं धूप में रखें। तो यहाँ पर देखिए गाइज, ये शीशा है एंड इसकी रबड़ जो है कट चुकी है, तो पानी जो है वो अंदर जा रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर भी ट्राई करके देख लेना भाई, पानी डाल के देखेंगे, फिर देखेंगे अंदर जाता है कि नहीं जाता है। चलो इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। ये देखिए, ये कुछ लकड़ी का जो हिस्सा है ये खराब हो चुका है, तो इस पे भी हमें एक बार ट्राई करके देखते हैं, इसमें भर के देखते हैं। हमने खूब ज्यादा ज्यादा भाई इस पे जो है अप्लाई कर दिया है। गाइज ये है लिंटर में भाई क्रैक, ठीक है, तो इसको भी देखते हैं। सो गाइज अब है रिजल्ट टाइम। तो हमने जो है ये सारी चीजें जो ट्राई की थी वो मॉर्निंग में ट्राई की थी, और अब शाम का टाइम हो चुका है, लगभग सनसेट होने वाला है, 6 बज चुके हैं। तो भाई पूरा दिन हो गया, ये ग्लू जो है अपनी जगह सेट हो चुका होगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जहां हमने ट्राई किया था, तो यहां पे ट्राई किया था इस क्रैक में,
ठीक है, ये दोनों मकान के बीच में जो क्रैक है, तो उस टाइम ये जो था ये हिल रहा था भाई, ये वाला जो बीच वाला जो एरिया है ये हिल रहा था, तो अब जो है बिल्कुल हार्ड हो चुका है। तो अब बारी आती है इसकी टेस्टिंग करने की। तो यहाँ पर पूरी तरीके से ग्लू सूख गया है एंड इसके ऊपर एक लेयर चढ़ चुकी है। तो अब हम इस पे डालते पानी, अगर पानी इसके अंदर बैठता है तो समझेंगे भाई कि इसने जो है काम नहीं किया एंड ये फ्लॉप हो चुका है भाई आइडिया। अब हम यहाँ पर हल्का हल्का पानी डालते हैं। अब आप देखते रहना नीचे की साइड, ये देखिए। चलिए गाइज एक बार इस तरीके से डाल देता हूँ मैं पानी, लेकिन अभी जो रिजल्ट भाई सामने आ रहा है ना, पानी इसमें बैठ रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखो, ठीक है मैं पानी डाल रहा हूँ, ठीक है अब देखना पानी कहीं ना कहीं अंदर बैठ रहा है। देखिए बैठ रहा है, देखिए पानी मैं डाल रहा हूँ वो सारा पानी अंदर जा रहा है। मतलब यहाँ पर ये जो क्रैक्स है भाई इनमें काम नहीं किया है। और अगर बात करूँ मैं इसके छूटने की, तो भाई थोड़ा सा चिपचिपा सा हो रहा है ये, और इजिली जो है ये रिमूव भी हो जा रहा है मुझे ऐसा लग रहा है। दिखाते हैं आपको दूसरा रिजल्ट, जहाँ हमने दूसरी जगह जो ट्राई किया था गाइज, ये है पॉइंट नंबर टू, जो कि हमने इसको पूरे तरीके से भरा था। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये मैंने एक नीचे टेप लगा के भरा, ताकि ये वाला जो था ना ये फैल गया था नीचे की साइड में, मतलब नीचे नीचे निकल गया था। तो यहाँ पर मैंने इसके नीचे टेप लगाया, फिर उसके बाद यहाँ पर ग्लू लगाया। अब देखते हैं भाई कि कितना काम किया है इसने। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये वाला जो गैप है ये नहीं भर पाया है अभी तक। और अब इसको मैं उठा के देखता हूँ भाई, तो यहाँ देखिए दूध का दूध पानी का पानी हो गया है, ग्लू जैसा था वैसा का वैसा ही है एंड यहाँ पर कोई भी चेंजिंग नहीं है। यहाँ देखिए ग्लू में चिपकन है ही नहीं, ठीक है तो क्या फायदा है इस तरीके ग्लू का। और ये वाला देख ले रहे भाई, ये देखिए मैं इसको फाड़ के देखता हूँ तो ये भी नहीं चिपका है। यहाँ देखिए फ्रेंड, हमने ये भी ट्राई किया था, ठीक है तो हम इसमें पानी डाल के अब चेक करेंगे कि ये लीक कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो आप यहाँ पर बॉक्स देख सकते हैं, बॉक्स में लीकेज नहीं हुई है शायद मेरे साथ, लेकिन हो रही है भाई। यहाँ आप देख लीजिए ये एक एक बूंद करके निकल रहा है भाई, ठीक है। तो ये वाला भी भाई फेल हो चुका है एंड पैसे की टांग, पैसे बर्बाद चले गए। हमने लगाया था तो इसका भी वही हाल है जैसा था, कोई भी क्रैक किसी तरीके से कुछ नहीं भरा हुआ है और ये फिर भी यहाँ पर पूरा गैप दिख रहा है। हमने लगाया था तखत पे तो यहाँ पर भी मालूम ही नहीं चल रहा है, एक लेयर चढ़ी हुई है। यहाँ पर देखिए मैं पानी डाला तो यहाँ पर थोड़ा सा चिपचिपा चिपचिपा मुझे महसूस हो रहा है, ठीक है तो यहाँ पर भी इसने काम नहीं किया है। सो गाइस बात करते हैं इसकी प्राइस की, तो ये मुझे पड़ा है 245 का। तो अगर आपको भी खरीदना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप इसको इजीली परचेस कर लेना। सो गाइस अब बात कर लेते हैं इसके फाइनल रिव्यू की। तो भाई मेरे हिसाब से एकदम बकवास प्रोडक्ट है ये, सिर्फ पैसा लूटने का काम किया जा रहा है। तो प्रोडक्ट से बचें, ठीक है पैसा अपना सेव करें। आपको कैसा लगा ये प्रोडक्ट कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।